हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुवाणी दी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका एक्स का क्या हाल है मई के मंथ में। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड आपके एक्स के लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वो आपको मिस करते हैं या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि हमें कितने मैसेजेस मिलते हैं इस रिगार्ड में। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर मई, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में, एक्सक्यूज मी, टू ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ लिब्रा, आपका जो एक्स है ऐसा लग रहा है कि डिसीजंस लेने के बाद सोचता है। पहले वो कुछ कह देते हैं, पहले वो कुछ कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये पर्सन उन लोगों में से है जिसे लगता है कि वर्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने कुछ बोल दिया तो उसका मतलब कोई सीरियसली नहीं लेता, या फिर जो वर्ड्स होते हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें हमेशा बदला जा सकता है या अपने अकॉर्डिंग मोल्ड या चेंज किया जा सकता है। आपके एक्स को अब ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया उनकी तरह नहीं सोचती, स्पेशली आप। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप डिफरेंट हैं एंड आपके लिए वर्ड्स की वैल्यू है, आपके लिए वर्ड्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने की वो। एंड इनफैक्ट नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका एक्स इस मे के मंथ में काफी अकेला महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है आसपास उससे वो कटे हुए हैं, भले ही उसका पार्ट हो, फिर भी उन्हें लग रहा है कि वो उस चीज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। ये चाहे इनका फ्रेंड सर्कल हो, इनके आसपास के लोग हो, या इनका अपना नजरिया दुनिया को देखने का। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे एंड कोई चीज इन्हें राहत नहीं दे रही। इस पॉइंट पे अब ये पर्सन सोचने लगा है कि क्या उन्हें चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ लिब्रा, इस पर्सन को लगता है कि आपके जाने के साथ इनका लक कहीं चला गया। बेसिकली ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहा कि इनकी लाइफ में अचानक से ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, और अक्सर ये सवाल पूछते हैं ऊपर वाले से कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे लाइफ में ये सब हो रहा है। ओके, यहां पे जो भी हो रहा है ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर पा रहा। इन्हें लग रहा है कि यूनिवर्स इनके साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो ये डिजर्व नहीं करते। अपना कर्मा जब वापस आ रहा है तो इस पर्सन को वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उन्हें लग रहा है कि ये कर्म बहुत ज्यादा भारी है उनपे। एंड अब जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे है तो इस पर्सन को यह भी महसूस हो रहा है कि आपके जाने से इनकी लाइफ की खुशियां कम हो गई। हो सकता है इस पर्सन ने अभी रिसेंटली कोई जॉब लूज की हो। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई फाइनेंशियल मींस लूज किया है, इनके ऊपर पैसों का बर्डन है, यानी मतलब पैसे कम है इनके पास और बाकी सारी चीजें ज्यादा है हैंडल करने के लिए, उसे हैंडल करने का बर्डन है, फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज करने का बर्डन है, इनके ऊपर बर्डन है दूसरों को खुश करने का, इनके ऊपर बर्डन है अपनी ही गलतियों के गिल्ट का। ओके, क्योंकि इस पर्सन को ऑलरेडी गिल्टी फील होना शुरू हो चुका है। इस पर्सन को यह रियलाइज हो रहा है कि आप उनके लवर ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे फ्रेंड भी थे, एक अच्छे सपोर्टर भी थे एंड उनका लक भी थे। तो यह सारी चीजें इस पर्सन के लिए अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ बहुत सारी चीजें ये पर्सन अब दोबारा से रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, इन्हें लगता है कि ये चीजों को दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा पाइलअप कर सकते हैं, दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि चीजें संभाली जा सकती हैं इस पॉइंट पे भी, पर फिलहाल इनके अंदर ये करने की हिम्मत नहीं है। इन्हें इसमें कुछ वक्त लगेगा। ये पर्सन हिम्मत जुटा रहा है वो करने की जो ये करना चाहते हैं। हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है लिब्रा, जैसे कि गेम इन्होंने स्टार्ट किया, रूल्स इन्होंने बनाए,
पर जीत उस गेम को आप गए. ओके ये पर्सन आपको देख के ये सोच रहा है कि उनके बजाय आप जल्दी मूव ऑन कर गए. इन्हें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में लूज उन्होंने किया बजाय आपके, जबकि वो ये सोच रहे थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद आप अपसेट होंगे, आप लूज करेंगे अपना पेशेंस, अपना पीस ऑफ माइंड. बट हुआ यहाँ पे उल्टा, एंड ये पर्सन अब फील कर रहा है जैसे कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर में हो. ओके और इनकी लाइफ में अगर अभी आप हो या इनकी जगह पे अगर आप हो तो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को कलेक्ट करने के लिए. सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि हर मायने में. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, द लवर्स, द एम्प्रेस एंड द एम्परर. ओके तो अब यहां पे फोर ऑफ वांड्स है. अब जाके इस पर्सन को कमिटमेंट का ख्याल आ रहा है. अब जाके इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कोई प्रीशियस पर्सन खो दिया है, क्योंकि यहां सिर्फ फोर ऑफ वांड्स ही नहीं है, द लवर्स भी है. तो इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है. द लवर्स का कार्ड यहां पे दो तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है. एक तो ये आप दोनों के बीच के बॉन्ड को दिखा ही रहा है, लव कनेक्शन को, आप दोनों के दिल जिस तरीके से कनेक्टेड है और जिस तरीके से आप खुश थे एक दूसरे के साथ, उस ब्यूटीफुल कनेक्शन को तो ये दर्शा ही रहा है, फीलिंग्स को दर्शा ही रहा है, और इस पर्सन के मन के अंदर को भी दर्शा रहा है. आई मीन यहां पे अगर आप देखें द लवर्स के कार्ड के साथ, इस पर्सन के मन के अंदर ये बात कॉन्स्टेंटली चल रही है, लगातार चल रही है, आखिर लिब्रा कैसे मूव ऑन कर गए. लिब्रा जो मुझसे इतने लॉयल थे, मुझसे इतने कमिटेड थे, वो आखिर मुझसे पहले कैसे रिकवर कर रहे हैं इस शॉक से या इस सेपरेशन से. जरूर उनके लाइफ में कोई होगा. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कोई नया लवर मिल गया है जिसने आपको कमिटमेंट दी है और अब आप इस एस ऑफ वांड्स को लेकर बहुत खुश हैं, जैसे कि यही तो था जो आप खोज रहे थे. तो इस पर्सन को एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके रास्ते का ऑब्स्टेकल हटा दिया ब्रेकअप करके, या आप दोनों का सेपरेशन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है. और यहां पे देखिए द एम्प्रेस एंड द एम्परर, परफेक्ट कपल, एक दूसरे को पूरा करने वाले, एक दूसरे को प्यार करने वाले. एंड यहां पे बस एक प्रॉब्लम है, द एम्प्रेस अनकंडीशनल लव देती गई, द एम्परर उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते गया और आज इस सिचुएशन तक आप दोनों पहुंच गए. इस पर्सन को यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की, आप बिल्कुल उनके बराबर थे हर तरीके से, मैच्योरिटी में, अंडरस्टैंडिंग में, विजडम में और इमोशनल डेप्थ में. ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज्यादा मैच्योर थे या ज्यादा बेहतर चीजों को समझते थे. अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना भूल गए थे. द एम्प्रेस को उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्यारी है और इस वक्त कुछ भी गलत नहीं है. यूनिवर्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि सबसे पहले आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को बचाएं. ओके तो यहां पे आप दोनों एक दूसरे के क्लोज नजर आ रहे हैं. द एम्परर, द एम्प्रेस, सब कुछ परफेक्ट है. पर इस पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है कि शायद जो भी उन्होंने किया वो उन्हें आपके साथ नहीं करना चाहिए था. ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहा है. ओके ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे पर उनकी ही गलती के कारण उन्होंने आज आपको लूज कर दिया. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. यस, जस्ट से यस. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको यस कहना चाहिए अपने हायर सेल्फ को, अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी को. शायद आप अपने प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे इग्नोर कर रहे थे.
आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति यह है कि आप खुद को हील करें, आप खुद को मौका दें इस सिचुएशन से बाहर आने का, खुद को मौका दीजिए ट्रस्ट करने का, एंड खुद को मौका दीजिए खुद पर नाज करने का, या कह सकते हैं कि आपको अपने लिए खुश होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए, जो कुछ भी आपने आज तक किया है वो अनपैरेलल्ड है। ओके तो यह है रीडिंग इस बारे में कि आपके एक्स का क्या हाल है मई के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।